नमस्कार दोस्तों, ये मेरी गाड़ी का काम हो रहा था एक्चुअली। तो मैं एक प्रॉब्लम थी जो मोस्ट मैंने काफ़ी वीडियोस देखे उस पर मेरे काफ़ी सर्च करा था। हालांकि ये जो रॉकर रिप्लेस करते हैं उसका कोई वीडियो मुझे दिखा नहीं है। तो जैसे देखते हैं कि रॉकर ये होते हैं जिसके ऊपर जो कवर लगता है, इसके ऊपर जो कवर लगता है हेड के ऊपर, हेड का जो कवर होता है उसमें रॉकर लगे होते हैं। टैपेट को ऊपर नीचे करते हैं तो ये डिपेंड अभी टैप। और ये मेरे इस पे गाड़ी में बैरिंग वाला टैपेट है, तो बैरिंग वाला टैपेट में देखिए ये जो टेप रॉकर है ये ख़राब हो गया है। इससे क्या है गाड़ी में थोड़ी सी आवाज़ आती है खट 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 खट। ये देखिए इसमें थोड़ी सी थोड़ी नॉइस हो गई है। और ये सॉरी, ये थोड़ा ठीक है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। जैसे कि आप यदि आपको आवाज़ जैसे घुमाने पे इसमें नॉइस आ रही है, तो ये जैसे ही गाड़ी चलती है तो खटखट खटखट खट हल्की सी आवाज़ इसमें से आती है, तो गाड़ी स्मूथ नहीं होती, हल्की हल्की उसमें आवाज़ आ रही है। तो ये मुझे रिप्लेस करनी है। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। और जैसा कि इसको चलाएंगे तो ये अपने को चेंज करना है। ये मैं मार्केट से नया लाया हूँ, बजाज का है, 320 रुपीज़ की MRP है। तो पता नहीं 10-15% डिस्काउंट करके मिला होगा, मेरे दोस्त ने मंगाया मैंने। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, एकदम स्मूथ है। तो देखिए दोस्तों, इसको इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करना होता है मैं बता दूँ आपको। आपको एक तो या तो 8 नंबर का पाना होना, एक 8 नंबर का बोल्ट या 6 नंबर का बोल्ट लगता है इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो ये थोड़ा बड़ा है। इसमें शायद 6 नंबर का कुछ जुगाड़ लगेगा। तो ये एक्चुअली क्या मैंने खोल लिया था, मेरे पास एक जो लॉक आता है पिस्टन लॉक, उसको ओपन करने का है। इसको ओपन करने के लिए क्या है कि यहाँ पे 6 तो इसके अंदर ये घुस जाएगा और ये मैं इसको ऐसे प्रेस करके और थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको बाहर खींच लूँगा। ये देखिए दोस्तों ये बाहर आ गया। तो ऐसे बाहर आते हैं, इसको क्या करना है अपने को, इसको बाहर निकालना है। ये बाहर आ गया, ये बाहर आते ही इसमें जो वॉशर लगा हुआ है इसका, ये उसके इसमें दोनों साइड 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 वॉशर आते हैं, उसको आपको तो संभाल कर रखना है। तो ये जो चीज़ ये ख़राब हो चुकी है, तो चलिए दोस्तों उसको अपन नया डाल देते हैं। तो नया नया रोकर दे रहा, ये रहा बिल्कुल स्मूथ है, मैं भी इसको डाल देता हूँ। दोस्तों ये है रोकर, मैंने इसमें सेट कर दिया। तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं यही देना चाहूँगा कि इसमें जब नॉइस गाड़ी की टैपेट नॉइस सेट होने के बाद भी यदि नॉइस रहती है किट 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 की हल्की हल्की, तो एक रीज़न ये भी है कि वो आपके रोकर ख़राब हो सकते हैं। तो मेरे रोकर आप मेरी गाड़ी में दोनों मैंने चेक कर लिए, एक इसमें फॉल्ट निकला है तो वो मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो आप भी अपनी गाड़ी का यदि आपको लगता है नॉइस आ रही है तो आप भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने टैपेट काफ़ी बार सेट करा था लेकिन टैपेट मेरे को प्रॉपर सेटिंग मिली नहीं, तो मैंने फाइनली इसको रिप्लेस करने का डिसीजन लिया है। एक्चुअली मेरी गाड़ी में दूसरा काम है जो मैंने आपको
पिछले वीडियो में बताया था, तो वो भी आप देख सकते हो। उस वीडियो का ही मैं सॉल्यूशन निकालने के लिए खोला था, तो एक नॉइस भी थी इसके अंदर गाड़ी में, वो भी साफ़ हो गई, हो जानी चाहिए जहाँ तक है, जो कि जो बीमारी पकड़ में आई है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, ये अपना रोका सेट हो गया है, अब मैं इसको इसको सेट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। तो ये रॉकर के बारे में जानकारी थी, ये टैपेट को अप डाउन करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।